कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। कन्नौज के इत्र पूरे विश्व में सप्लाई किए जाते हैं। वहीं कई तरह के इत्र भी कन्नौज में तैयार किए जाते हैं। कन्नौज के इत्र व्यापारियों के लिए इजराइल और ईरान में हो रहे युद्ध का बड़ा असर भी इस समय देखने को मिल रहा है। इजराइल और ईरान में छिड़ी जंग से इत्र व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। शहर में जितना भी इत्र बनाया जाता है उसका 55% खाड़ी देशों में इत्र भेजा जाता था, लेकिन इस समय दोनों देशों के बीच चल रही जंग से इत्र व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे इत्र निर्माता और इत्र व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। इत्र की खपत को बढ़ाने के लिए अफ्रीकी और अमेरिकी महाद्वीपों में अब संपर्क किया जा रहा है। देखिए, मैं पवन त्रिवेदी, अटल एंड कंज्यूमर एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे इजराइल युद्ध आज 1.5 साल से चालू है, लगभग 1.5 साल हो गया है। उसके अलावा आप देखो ना, रशिया का और यूक्रेन का भी चालू है, तो एक माहौल जो है बहुत अच्छा नहीं है पूरे दुनिया का इस तरीके से। वही इस वजह से इत्र में भी जो हमारे उद्यमी आडा रहते थे, जो गल्फ में एक्सपोर्ट करते थे और जो बाहर भेजते थे मटेरियल, तो उनका सबका काम रुका हुआ है। और अतर इंडस्ट्रीज में जो पहले जितना काम था उतना इस समय नहीं है। पहले हम लोग कोरोना में काम बहुत कम हो गया था, उसके बाद फिर कुछ नॉर्मल आया, पटरी पे काम आ गया, उसके बाद में ये सब जो बार चालू हो गए हैं उसकी वजह से जो ज़्यादातर क्योंकि इत्र गल्फ में जाता था और गल्फ कंट्री इस समय सब उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में फर्क है और हमारा व्यापारी जो है सर्वाइव कर रहा है। देखिए, कन्नौज में लगभग ज़्यादातर जो भी इत्र बनते हैं वो सब गल्फ में जाते हैं, चाहे दुबई हो या दुबई के माध्यम से जो भी अफ्रीकन देश हैं उसमें सब में जाता है। हमारा संदल है, चंदन का तेल है, खस है, समामा है, अगर का तेल है, मोतिया है, मोगरा है, इस तरीके से जितनी भी रेंज है वो सब जाती है वहाँ पे गल्फ में, और वो इस समय जो है एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है युद्ध की वजह से। अब मेरे अनुमान से तो अभी इस समय 50% का लगभग फर्क है, जो भी टर्नओवर था पहले आज उसका आधा रह गया है, क्योंकि मार्केट में भी वो दिखाई पड़ता है, एक सन्नाटा है, तो इस वजह से लगभग 50% का फर्क है।